तो सवाल ये है कि आपने बहरहाल इस चीज का एतराफ कर लिया कि आपके बनाए हुए कलाम में झोल है, तो इंशाल्लाह आप जितने भी आगे सूरतें और इस तरह की जो है करते रहेंगे उसमें सब में झोल साबित हो गया बाय डिफॉल्ट। अब आप ये बताइए कि आपने चूंकि मुख्तलिफ एक लंबे अरसे से आप कुरान करीम के ऊपर एतराज़ करते आ रहे हैं और कुरान करीम के चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया है, आपने गुज़िश्ता दिनों में दो सूरतें बनाई हैं, एक सूरे यूट्यूब बनाई है और एक सूरे कोविड बनाई है, तो सूरे कोविड का तो जवाब हमने दिया था। मैं कुरान के ऊपर बात करूंगा लेकिन चूंकि चैलेंज एक्सेप्ट आपने किया है तो मैं सूरे यूट्यूब के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि आपने जो कुरान को के चैलेंज को का जवाब दिया है आप क्या समझते हैं चैलेंज में कामयाब हैं या नहीं? देखें, देखिए मेरे सामने ये चैलेंज किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। ये चैलेंज एक हेवी वेट चैंपियन के सामने एक दूध पीते बच्चे का चैलेंज है, एक दूध पीते बच्चे का चैलेंज है, एक दूध पीते बच्चे का चैलेंज है। एक हेवी वेट चैंपियन है, वो ये चैलेंज कर रहा है एक शीरखार बच्चे से कि आप मुझसे लड़ता क्या। तो ठीक है, शीरखार बच्चा भी जो है उसने कह दिया ठीक है मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, हेवी वेट चैंपियन 1000 केजी उठाया और शीरखार बच्चा सिर्फ 2 केजी उठाया। ठीक है, उसकी शक्ल कितनी थी? तो अदना तरीन हो गया कि वो आला तरीन के मुकाबले में उतर गया। हमारा इख्तलाफ असल में कुरान को लेकर है। नहीं, हमारा इख्तलाफ सूरे यूट्यूब पर भी है। आपका जो दावा है कि कुरान में झोल है वो आप जब ही टेस्ट कर सकते हैं जब आपने जो कंपोज किया उसके अंदर झोल ना हो। आप मुझे अपनी सलाहियत तो बताइए, आप मुझे बताइए कि मेरे अंदर की कैपेबिलिटी है कि मैं कुरान के झोल को साबित कर सकता हूँ। भाई आप हमें कुरान पर बात करें ना, कुरान पर बात करने के लिए आया हूं। पुरानी पर बात कर रहे हैं, कुरान पर मेरे इश्कालात हैं, सवालात हैं। इस्तेदात तो साबित कर दीजिए कि कुरान में आप झोल निकालेंगे। आप एतराफ कर लीजिए, आपके कंपोजिशन में झोल है, मैं आगे बढ़ूंगा, आप एतराफ कर लीजिए। भाई देखिए, मेरा कंपोजिशन तो दूध पीते बच्चे का है, उसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने एतराफ कर लिया कि उसमें झोल है, तो जाहिर बात है कि जो है दूध पीते बच्चे का काम झोल नहीं रहता। बस वो तो रहता है ना, तो जाहिर बात है कि जो है दूध पीते बच्चे का काम झोल नहीं रहता, बस वो तो रहता है ना। बहुत अच्छी बात। अगर जो है किसी हेवी वेट चैंपियन के अंदर झोल है तो वो झोल जो है झोल कहलाएगा। बालाजी बहुत शुक्रिया इस एतराफ का। मैं एतराफ करता हूँ। देखिए, मेरा कोई ऐसा दावा नहीं है कि मैंने जो है कुरान से के मिसल जो है, देखिए मैंने कोशिश की जी, जो उसमें झोल हो सकते हैं, मैं एक नॉन अरब हूँ, मैं एक मुतदी हूँ, मैं एक मुतालिम हूँ, मैं एक मुतादी हूँ, मैं एक मुतालिम 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 हूँ, म
है, ये नहीं कहिए कि मेरे एंट्री तो खुदा का कलाम नहीं है ना, इसलिए मैं जो है एक्सेप्ट किया उसको। अब आप साबित करें कि वो खुदा किसी खुदा का कलाम। तो सवाल ये है कि आपने बहरहाल इस चीज का इतराफ कर लिया कि आपके बनाए हुए कलाम में झोल है, तो इंशाल्लाह आप आप जितने भी आगे सूरते और इस तरह की जो है करते रहेंगे उसमें सब में झोल साबित हो गया बाय डिफॉल्ट। अब सच वाला जी ने ये मान लिया है कि ठीक है चलो मेरे कलाम में या मैंने जो बनाया उसमें झोल है, ठीक है उन्होंने मान लिया, इकरार कर लिया। लेकिन साहिल, लेकिन इन्होंने अपनी ये चीज तो मान लिया ना कि मैं दूध पीता बच्चा हूँ, मुझे और उस कलाम के साथ कोई मुआजना नहीं है, कोई आपस में उनका कोई मेल नहीं है, ये बात इन्होंने। आप जब एक गुफ्तगू कर रहे हैं ना एकेडमिक, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा जो इमोशनल अंदाज है उससे हटना पड़ता है। इमोशनल आर्ग्यूमेंट कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। मसलन वो ये कहने लगे, अरे मैंने ट्राई तो की ना, मैं एक हैवी वेट चैंपियन है जो 1000 kg उठा सकता है, दूसरी तरफ एक दूध पीता बच्चा है, तो दूध पीते बच्चे ने इतना करेज तो दिखाया ना कि वो एक हेवी वेट के मुकाबले में खड़ा हो जाए। नहीं, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम अटेम्प्ट करो, अल्लाह ने ये कहा कि तुम ऐसा कलाम पेश करके दिखाओ, जब तुम ऐसा दिखा दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने सक्सेसफुली तुमने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये ऐसा ही है कि मसलन रिंग में एक बहुत बड़ा पहलवान खड़ा हुआ, एक मिसाल दे रहा हूँ ऐसे ही सचवाला वाली मिसाल, वो 1000 kg उठा सकता है और स्टेडियम में दूर एक बच्चा बैठा हुआ है, वो तिल्ली उठा सकता है, माचिस की तिल्ली, ठीक है। अब वो माचिस की तिल्ली उठाने वाला जो बच्चा है वो ये कहे कि भाई मैंने तो पहलवान को बीट कर दिया। सही बात किया, इस तरह तो कोई मुकाबला ही नहीं रहेगा दुनिया का, कोई जोड़ ही नहीं रहेगा।
तो जो तिल्ली उठाने वाला है वो ये दावा कैसे कर सकता है कि मैं इस पहलवान का मुकाबला कर रहा हूं? भाई पहलवान का मुकाबला करने के लिए कम से कम 800 केजी तो उठाओ, 1000 केजी नहीं उठा सकते, 800 केजी उठाओ, फिर ये होगा कि हाँ भाई चलो भाई 200 केजी रह गए, कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचेंगे। अभी तो आप तिल्ली उठा रहे हैं, अभी तो आपकी मतलब ये, और आप खुद एतराफ भी कर रहे हैं, तो ये चीज जो है मतलब एक मजहका खेज है, वो गजब बेइज्जती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।